वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस अडाप्टर को देखिए, ये अडाप्टर ख़राब हो चुका है। यहाँ पे देखिए हल्का हल्का आपको वाइल्ड टाइप से दिख रहा होगा शायद। हाँ, हल्का शाइनिंग है। इधर भी देखिए, यहाँ पे भी है, हल्का वाइल आ गया है। ठीक है, हाँ देखिए हल्का दिख रहा है फ्रेंड्स। ये पूरे तरह से डेड हो गया है, वोल्टेज भी नहीं ले पा रहा है। जैसे कि लगाने के बाद जो वोल्टेज लेता है तो वो भी नहीं ले पा रहा है। आइए मैं आपको अब लगा के दिखा देता हूँ इसमें पावर सप्लाई में। ठीक है, अभी स्विच ऑन कर लेता हूँ। देखिए लगाएंगे तो आवाज़ आना चाहिए था, स्पार्क का आवाज़ आता है जब स्विच ऑन रहता है और चार्जर को डायरेक्ट लगाते हैं तो स्पार्क टाइप से आवाज़ आता है, चड़ चुड़ करके। ठीक है, देखिए आप बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रहा है। ओके, ये पावर भी नहीं ले पा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसे ओपन करके देखते हैं। ओके, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो पहले जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। फ्रेंड्स आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने इसे ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स जब भी इसे आप ओपन करें तो बहुत ही सावधानी से ओपन करें, क्योंकि ये लॉक रहता है और चिपकाया हुआ भी रहता है तो ये टूट सकता है। ठीक है, इसे हमने अभी चिमटे से ओपन किया है। आप एक टांग को पकड़ के पुश करेंगे, ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन बहुत ही सावधानी से निकालना है, नहीं तो ये टूट जाएगा और फिर ये यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, आप प्लास से भी ओपन कर सकते हैं, इजीली ओपन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें वाइल आपको साफ दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसे साइड कर देते हैं। अब हम सर्किट को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है और कौन सा कंपोनेंट डैमेज हुआ है। देखिए सर्किट बाहर आ गया है, देखिए अंदर में भी कितना सारा वाइल जमा है। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो दोनों कैपेसिटर, देखिए कैपेसिटर दोनों लीक हो गया है। इसी दोनों कैपेसिटर से वाइल लीक हुआ है, देखिए बाकी और ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है इसके अलावा। इधर देखिए रेजिस्टेंस भी सही है, अंदर में ट्रांसफार्मर जो लगा है वो भी सही है, बाकी ये भी कैपेसिटर सही है, दोनों कैपेसिटर सही है, बाकी ये दोनों कैपेसिटर ब्लैक वाला यही दोनों डैमेज हुआ है। आप देख सकते हैं ये हल्का फूल गया है और फूलने की वजह से लीक हो गया है। ये अडाप्टर ओवर वोल्टेज के वजह से जल गया है, लेकिन एमआई का अडाप्टर हमें सही लगा, क्योंकि इसमें जो फंक्शन दिया गया है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन या फिर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह, वो अच्छे से वर्क करता है, जिसके वजह से कि फ़ोन सेफ है अभी भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक और अडाप्टर दिखाने जा रहा हूँ जिसमें कि सेम प्रॉब्लम है। ऐसा कि इसमें दो कैपेसिटर जल गया है, ये देखिए ये वाला अडाप्टर, ये नोकिया का अडाप्टर है, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं इसके भी दो कैपेसिटर जले हुए हैं, बाकी इधर कोई भी कंपोनेंट डैमेज नहीं हुआ है, SMD का कंपोनेंट डैमेज नहीं है। मैं इसका कवर आपको दिखा देता हूं ताकि आपको बिलीव हो जाए कि ये नोकिया का ही अडाप्टर है। इसमें भी आप देखिए इन दोनों कैपेसिटर के अलावा कोई भी कंपोनेंट डैमेज नहीं हुआ है, सिर्फ ये दोनों कैपेसिटर ही डैमेज हुआ है। दोनों पे 450 वोल्ट का रेटिंग दिया हुआ है, इसमें भी 450 वोल्ट का ही रेटिंग है, बट इसका जो कैपेसिटेंस है वो अलग अलग है दोनों का। ओके, आप देख सकते हैं दोनों का कंपेरिजन भी आप देख सकते हैं क्वालिटी वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज। एक तो 2 एम्पियर का है, ये जो है MI वाला 2 एम्पियर का है, ठीक है, और ये 1 एम्पियर के लगभग में है। अब मैं आपको एक लोकल चार्जर दिखाने जा रहा हूँ जो आपको हर जगह मिल जाएगा, बहुत ही चीप प्राइस का होता है। इसमें देखिए इसमें ओनली 1 कैपेसिटर दिया गया है, 1 UF
400 वोल्ट या फिर 450 वोल्ट का लगभग इसका रेटिंग है। ठीक है, ये वाला सर्किट सही है, एड सर्किट डैमेज नहीं हुआ है। मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ इसे ओपन कर लिया है। देखिए 400 वोल्ट का रेटिंग है फ्रेंड्स, 1 UF का इसका कैपेसिटेंस है। तो आप इसे कंपेरिजन कर सकते हैं कि जो ब्रांडेड है उसमें प्रोटेक्शन बहुत हाई लेवल का है और जो लोकल है उसमें प्रोटेक्शन बहुत लो लेवल का है। फ्रेंड्स ये दोनों अडाप्टर सही हो सकता है, लेकिन सही करने के लिए आपको दोनों कैपेसिटर को सेम वैल्यू पे चेंज करना होगा। इसे चेंज करने के लिए कोई पुराना अडाप्टर का कैपेसिटर यूज करिए, क्योंकि दूसरे अडाप्टर का कैपेसिटर यूज कीजिएगा तो साइज कम बेसी हो सकता है, जिससे कि ये फिर कवर में नहीं जा पाएगा। अगर एक में भी साइज ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स इसके कैपेसिटर का, तो ये कवर में नहीं जा पाएगा। तो इस वजह से आपको सेम अडाप्टर का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप जान लें कि ओवर वोल्टेज से क्या डैमेज होता है और फिर किस तरह से रिकवर किया जा सकता है अडाप्टर को। दोनों कैपेसिटर अगर मिल जा रहा है तो ठीक है, रिकवर हो जाएगा, अदरवाइज फिर ये अडाप्टर किसी यूज का नहीं रह जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस अडाप्टर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का 100% सॉल्यूशन दे पाएं। दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी बात, वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ लाइक कर दिया करें फ्रेंड्स, ठीक है, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए नया नया इन्फॉर्मेशन अपलोड कर सकें। थैंक्स।